दोनों ही आ जाते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते। और फिर पेस्ट का तो एक चलो तरीका है कि पेस्ट कंट्रोल हो जाता है तो निकाल सकते हैं, गेस्ट का कंट्रोल कहाँ है, कोई कोई गेस्ट आइडिया कंट्रोल नहीं नहीं है। देता यार, कोई बता दो। फिर ये है कि सर आपने तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्स आपने अभी पास किए हैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए, जीएसटी लाए हैं। मैं मतलब यही चाहूंगा कि आप हमारे लिए भी एक जीएसटी ले आओ, गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड थोड़ा सा कम कर दीजिए, गेस्ट आने घर पे अनइनवाइटेड गेस्ट बहुत मुश्किल में आ जाते हैं हम लोग। मतलब अगर आप ये लेटर और पढ़े हो तो इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं हमारे, मतलब वो भगवान का रूप माने जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो भगवान का रूप छोड़िए, गणपति से सीखे ना, गणपति भी 11 दिन में आके चले जाते हैं यार, माता रानी से सीखे 9 दिन में आके चले जाते हैं। अरे लो आ गए, मैं We have somebody else joining in. ऐसे ही हाँ करा है यार ये। क्या यही है वो मेहमान? अरे समझता नहीं है, मेहमान बन के आना माने कितना भरोसा करना पड़ता है आप लोगों के ऊपर यार। थैंक यू, ऐसे ही समझते हैं मेहमान को, जिसके घर पे जाते हैं मेहमान बन के हम कितना भरोसा करके जाते हैं कि अच्छा खाना मिलेगा, बाथरूम में टाइम पे पानी आएगा, जो उनकी बहू होगी, जो बेटी होगी, अच्छा खाना पकाती होगी। ये जाओ तो पता चलता है कि बहू को तो अंडे बॉईल करना भी नहीं आता है, अंडे से बहू को पानी गर्म करना भी नहीं आता है, ये कहाँ की बात हो गई। और ये सब आपने आप पहुंच गए, उसके बाद में आपने सब एडजस्ट भी कर लिया, तब कहेंगे कि निकलो। जब पूरा एडजस्ट हो गए, मेंटली सेट हो गए, तब हमारे जाने के दिन आ गए। ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो मेहमान एक्चुअली आपके ऊपर भरोसा करके आता है, उसका भरोसा जीतिए, उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। मेहमान जब मेरा अंडरवेयर ही पहन के आ जाते हैं तो मैं क्या मतलब अरे भैया जिस दिन आपको घर में रहता है उस दिन अंडरवेयर भी काम आ जाए ना किसी को, उसे बुरी बात क्या है? हो जाता है लेकिन अरे पता नहीं कैसे हो जाता है, घुस जाते किसी को। अच्छा बहू रानी की बात हो ही रही थी तो हम बुला लेते हैं यहाँ पर, नॉट सो बहू रानी बट ऑलरेडी अ बहू रानी, कृति गर्मा द ऑन स्टेज एज द नॉट सो बहू रानी। I mean, he wants me to be the perfect babu, but I cannot be the perfect babu. मैं अपना काम कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है। कैसे भी टपक पड़ते हैं यार, ये तो बिना बोले आ गए। चलो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तीन महीने कौन रुकता है चाचा जी? तो सही बात है, नहीं रुकना भी नहीं चाहिए। फिर क्यों रुके अगर आपको ऑलरेडी पता है तो? अभी क्या होता है, दिल लग जाता है ना। अरे आए हाय, दिल लगना छोड़ो, ये खुद अकेले छोड़ो। इन लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, इस उम्र में ना दोस्ती बहुत सॉलिड हो जाती है। बाहर निकलते सैर करने, ले आते 10 जनों को अपने साथ, फिर कहते हैं बेटा चाय बना दो, पकौड़े बना दो, इनके लिए ये कर दो, उनके लिए वो कर दो। जिन नेबर्स को हम कभी भी नहीं मिले, इनका कभी जाना ही नहीं, वो भी घर पे बैठे होते हैं। अगले दिन फिर वो फिर घर आएंगे, चाचा चाची ठीक है, हाँ चाचा चाची ठीक है, चलो उनसे दो बतियार बात कर लेते हैं। फिर जब वो बैठे होते हैं तो चाचा जी कहते हैं अब गेस्ट आए हुए हैं तो तुम ऐसा खाना तो नहीं बना सकती ना, पूरा का पूरा भोजन लगेगा अब टेबल पे, अब इसी के लिए बैठी हूँ क्या मैं? बिल्कुल, एक काम करते हैं बैठ ही जाते हैं यहाँ पर, इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कैन वी हैव सम चेयर्स ऑन द स्टेज प्लीज? मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं, ये थोड़ा गहमा गहमी ज्यादा हो गई है ऑन स्टेज, सो लेट्स टेक दिस फर्दर अहेड। थैंक यू सो मच ऑन स्टेज। कृति खरबंदा, परेश रावल जी एंड कार्तिक आर्यन, जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस लवली कास्ट ऑन स्टेज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अच्छा मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ, परेश जी आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि भगवान या शैतान क्या है ये मेहमान आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मेहमान मेहमान है अगर 2-3 दिन हो तो, अगर प्रॉपरली बिहेव करते हैं तो, अगर हमको पसंद है तो, वरना वो शैतान है। आई मीन आई कांट टॉलरेट देम। अच्छा मैं ना ये बहुत ही अजीब सवाल पूछने वाली हूँ, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर, लेकिन व्हाट इज इट विद मेहमान एंड दैट टू जो थोड़े उम्र दराज मेहमान होते हैं, व्हाट इज इट विद देम एंड फार्टिंग? इज समथिंग रियली सीरियस अबाउट इट? क्या है ये? फार्टिंग तो एक अपना हर आदमी के पास है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता ही है, सब अपने अपने हिसाब से उसे प्ले करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि मूड नहीं चलता। हाँ। ये इच्छाधारी नहीं है, इन्वॉलंटरी। हाँ तो ये तो सब अपनी अपनी तरह से यूज कर लेते हैं, बड़े बहुत मीठा वाला पार्ट करते हैं। हाँ या व्हाट्स अ मीठा वाला पार्ट? स्वीट नोट पे स्वीट होता है या आई डोंट नो व्हाट्स दैट, लेकिन बहू रानी बहुत अच्छा खाना बना रही है इसका मतलब है ना, ये तो है। इफ यू आर फार्टिंग अ लॉट दैट मींस, देखिए घर में अगर मिठास न हो तो मेहमान तो छोड़िए चीटियां भी नहीं आती।
मिठास तो होनी चाहिए घर में. तो बेसिकली आई नीड टू बी अ स्वीट. अच्छा आपसे पूछना चाहूंगी, मेहमान भगवान या शैतान? मेजर शैतान. हाँ क्यों? कैन नॉट हैंडल गेस्ट. क्या 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 प्रॉब्लम होती है? अरे जो थोड़े बड़े वाले होते हैं ना, बड़े एज इन उम्र में बड़े, मुझे वैसे उनसे शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सबसे पहला सवाल ये होता है, पहले तो वो आपत्ति करेंगे कि आपने क्या कपड़े पहने हुए, जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लोथ. सेकंड सवाल जो मुझे हमेशा सताता है, बेटा शादी कब कर रही हो? मेरे माँ बाप से ज्यादा मुझसे ज्यादा उनको पड़ी होती है कि ये शादी कब करेगा. आई थिंक इनको फीका खाना पीना चाहिए होता है कि बस आए तीन चार रोज मजे करें और फिर निकल गए. एंड द वर्स्ट इज व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग योर बाथरूम एंड दे डोंट यूज इट वेल. नहीं होता क्या है कि वो आते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए हम जो हमारी जो बरसों से सेट की हुई लाइफ है वो पूरी अपसेट कर देते हैं, और ऊपर से वो भी अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज कर देते हैं तो पूरा कबाड़ा हो जाता है. आपको अपसेट करते हैं क्योंकि उनका स्टमक अपसेट होता है. मैं मौका ही नहीं देता हूँ उनको. कार्तिक आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो ये कि आपके हिसाब से मेहमान भगवान या शैतान? डू यू रियली लाइक होस्टिंग पीपल एट योर हाउस और यू डोंट? आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो वाला सिनेरियो रहता है. कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आप हमेशा ना उनको रॉयली ट्रीट करते हैं, कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जैसे वो जो ट्रेलर में आपने देखा है ट्रिमर वाला जो सीक्वेंस है, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है. oh, no. वो मेरे एक अंकल हैं, रिश्ता नहीं बताऊंगा. लेकिन उन्होंने मेरा, उनके हर जगह से बाल आते हैं, बहुत आते हैं, और उन्होंने मेरा ट्रिमर एक दिन, पता नहीं, वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि वो यूज कर लेता हूँ, क्या जा रहा है उसका ट्रिमर मेरा ट्रिमर, उसके बाल मेरे बाल, उन्होंने काट दिए. एंड तो वैसे मेहमान मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे घर पे बार बार आए और मेरी चीजें, बाथरूम, वॉशरूम, बेडरूम, तौलिया, साबुन, कई बार तो वुमेन हैव अदर इश्यूज, उनको घिन पड़ती है जब कोई उनके किचन के अंदर घुस जाता है. एग्जैक्टली, इट्स क्वाइट डिसगस्टिंग. प्लस वो खाना अपनी पसंद का बनवाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो चाहते हैं तब हमें ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि क्यों जा रहे हो, सबसे बड़ा पेनफुल होता है. जरूर आएगा ये नोट की हमें बहुत भारी पड़ती है मेंटली. नहीं पर वो जाते समय वो जो 500 रुपए का नोट देके जाते हैं, हां हां पैसे देते हैं, वो अच्छा लगता है. पर ये कहेंगे मैं उनको 500 रुपए देता हूं, उनको बोलूंगा नेक्स्ट टाइम आने का बुकिंग है ये. ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ. एक बार ऐसे सिचुएशन थी, तो मेरे एक अंकल है जो बाहर से आते, तो उनका ट्रंक कॉल आता था तब उस टाइम पे. अच्छा अच्छा. तो जानबूझ के जैसे ही उनका ट्रंक कॉल आता था मतलब ये आने वाले. एंड मैंने मेरी मम्मी को या पापा जो फोन उठा रहे थे, तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये जब भी आने वाले, अगर ये अभी फोन पे बोलने वाले, तो बोल दो अगले हफ्ते हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप प्लीज अभी मत आइए.